दोस्तों उठ जाइए, रीएनर्जाइज हो जाइए, क्योंकि आपको लंबी रेस में दौड़ना है। दोस्तों गुजरते दिनों का नहीं, यादगार लम्हों का नाम है रसायन लीला। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूँ। उम्मीद है आपको भी रसायन की लीला याद होगी। मैं एक बार फिर से रसायन लीला रचाने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसी मेरी हमेशा इच्छा होगी कि जब भी हमारी मुलाकात होगी तो यादगार होगी। ऐसी मेरी इंटेंशन होगी, ऐसे एफर्ट्स मैं डालूंगा। आप भी अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट्स डालेंगे, इस सेशन को बेहतरीन बनाने में आप भी हमारा साथ देंगे। एक बार फिर से धमाकेदार अंदाज में, जोशीले अंदाज में लेक्चर लेने के लिए मैं आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूँ। उम्मीद आपने लेक्चर नंबर 1 को अटेंड किया होगा, और लेक्चर नंबर 1 को अटेंड करने के बाद आपने क्लास नोट्स भी बना लिए होंगे अपनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राइटिंग में। बार बार रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उनके आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपको कोई डाउट है उन 2 क्वेश्चंस में तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो चलिए फिर आगे चलते हैं। जब भी मिलेंगे दोस्तों मुलाकात यादगार होगी। याद रखना है, जो मुझे नहीं जानते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देख लीजिए आप। माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद दोस्तों अब बारी आपकी है। जेई प्लेनेट प्लेटफॉर्म पर, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड होगा फुल कोर्स 12th क्लास का। कुछ टाइम बाद 11th क्लास का कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। ये चिंता नहीं करनी है, ये कंप्लीट कोर्स होगा, अधूरा कोर्स होगा, ये कंप्लीट कोर्स होगा। 12th क्लास की कंप्लीट केमिस्ट्री जेई एडवांस्ड लेवल तक आपको प्रोवाइड की जाएगी। जितना भी लेवल होता है ऑफलाइन कोचिंग्स में, जितना भी पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा ही आपको पढ़ाया जाएगा। आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। चिंता नहीं करने, यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कॉन्टेंट डिलीवर होगा। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं? जेई एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, जी हाँ, मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के भी, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इंक्लूड करता रहूंगा, आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा। और ये आप जानते ही होंगे, 14th अप्रैल से अन अकेडमी ऐप पर हमारा 12th क्लास का बैच लॉन्च होगा, जहां पर केमिस्ट्री मैं लूंगा, फिजिक्स अभिलाष सर लेंगे और मैथ्स बर्नार्ड सर लेंगे। ये देखिए पेड कोर्स है। अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे आइकोनिक और प्लस के, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज की क्लास के बाद जो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड होंगे ये टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, लिंक आपके सामने है। आइकोनिक और प्लस की अगर आप और ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो देखिए प्लस और आइकोनिक की कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों आज के हमारे सेशन को, इस बेहतरीन सेशन को कहां से स्टार्ट करना है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हमें जाननी है। आज हमें बात करनी है लैटिस पॉइंट की। लैटिस पॉइंट से आज हमें हमारे इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करना है। आखिरकार सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ये लैटिस पॉइंट क्या है, इसकी हमें बात करनी है। ध्यान से देखिए, एच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा जिसे सॉलिड बना होगा? देखिए मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल आयन को लोकेट किया जाएगा डॉट से, इस डॉट को बोला जाता है, दिस डॉट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब यहां आप देख रहे होंगे ये लैटिस आपके सामने है, कंप्लीट अरेंजमेंट आपके सामने है, जो ये डॉट्स हैं, ध्यान से देखिए ये डॉट आपके सामने है। अगर आपको विजिबल नहीं है तो देखिए डिफरेंट कलर से मैंने इंडिकेट किया, ये डॉट लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है। ये इंडिकेट करता है एटम की पोजीशन को, मॉलिक्यूल की पोजीशन को, आयन की पोजीशन को। कहां पर? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, जो कि 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है।
आई होप लेक्चर नंबर वन आपने अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से लेक्चर नंबर वन को अटेंड कीजिए, फिर लौटिए। मेरे साथ मुलाकात आपकी यही होगी। मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँगा, आप फिर से लौट कर आएंगे, आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। दोस्तों लैटिस पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसके बाद लैटिस आना। आखिरकार लैटिस क्या है? दोस्तों लैटिस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। क्या है? इन एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को लैटिस बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस। द थ्री डायमेंशनल रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। देखिए एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस रिपीट होंगे और इनके रेपिटेशन को इस प्रकार से डॉट से इंडिकेट किया जाएगा। जो कंप्लीट अरेंजमेंट होगी, दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। आई होप आपने भी इस क्रिस्टल लैटिस को विजुलाइज कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये हमारे सामने टर्म नंबर टू है। अब थर्ड टर्म देखिए क्या है। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन गिव्स कंप्लीट लैटिस और क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न जिसको बार बार रिपीट किया जाए और पूरा लैटिस हमें मिल जाए, मायावी लैटिस हमारे सामने हो, अगर बार बार स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न को रिपीट किया जाए तो दोस्तों हमें लैटिस मिल जाए, तो इस केस में रिपीटिंग पैटर्न क्या होगा? यूनिट सेल होगा। आपके सामने टू डायमेंशनल यूनिट सेल है, लैटिस है। देखिए ध्यान से, यहां पर लैटिस क्या होगा? यह कंप्लीट अरेंजमेंट दोस्तों लैटिस है और रिपीटिंग पैटर्न, ये देखिए स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न आपको दिखाई दिया होगा। देखिए ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न, इसको बार बार रिपीट करने से, ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करने से पूरा लैटिस आपको मिल जाएगा। टू डायमेंशन में पूरा लैटिस आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ छोटू सा रिपीटिंग पैटर्न यूनिट सेल। और ये कंप्लीट क्या है? स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। और ये डॉट्स क्या है? दीज आर लैटिस पॉइंट्स। ये क्या है दोस्तों? लैटिस पॉइंट है। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। लैटिस पॉइंट क्या है? क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस क्या है और इसके साथ में यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न होता है। अब आइए चलिए थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल की बात करते हैं, लैटिस की बात करते हैं। और लैटिस पॉइंट तो देखते ही आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, ये जो डॉट्स हैं ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। ये कंप्लीट अरेंजमेंट क्या है? क्रिस्टल लैटिस है और स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न अगर ध्यान से आपने देखा हो, देखिए यहां पर ये आपके सामने एट क्यूब्स है। अगर आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करें तो आपके सामने ये एट क्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एट क्यूब्स हैं। ये एट क्यूब्स क्रिस्टल लैटिस को अगर इंडिकेट करती है तो इनमें से कोई एक क्यूब रिपीटिंग पैटर्न होगा, जिसको बार बार, जिसको एट टाइम्स रिपीट किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एट टाइम्स अगर रिपीट किया जाए तो देखिए इस प्रकार से आपको कंप्लीट लैटिस मिल जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न क्या हुआ? एक क्यूब हुई, ये आपके सामने है। देखिए ये जो शेडेड क्यूब है ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है, जिसको बार बार रिपीट किया गया, जिसको यूनिट सेल बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? यूनिट सेल। आई होप आप क्यूब को आसानी के साथ ड्रॉ कर पाते होंगे। अगर आपको क्यूब ड्रॉ करने में कोई कंफ्यूजन है, आप क्यूब को आसानी के साथ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो देखिए क्यूब आसानी के साथ ड्रॉ की जा सकती है। अगर आप क्यूब को आसानी के साथ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप ये सोचिए उस क्यूब को एट स्मॉलर क्यूब्स में कैसे डिवाइड किया जाए। देखिए क्यूब तो ऐसे आसानी के साथ ड्रॉ की जा सकती है, इस प्रकार से एक स्क्वेयर को ड्रॉ कीजिए,
एक और स्क्वायर को ड्रॉ कीजिए, इसके बाद देखिए एक और स्क्वायर को ड्रॉ कीजिए। आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, इसके बाद हमें कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, और कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए हमें यहां पर क्यूब को ड्रॉ करना है। क्यूब हमारे सामने होगी, ये देखिए, इस प्रकार से हमें इन कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है। तो चलिए, क्यूब आपने ड्रॉ कर ली है। इसके बाद टास्क क्या है? इसके बाद हमें इसे 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करना है। 8 स्मॉलर क्यूब्स में कैसे डिवाइड किया जाए? देखिए, 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करने के लिए रेक्टेंगुलर प्लेन हमें पास करने होंगे। इस प्रकार से रेक्टेंगुलर प्लेन हमें पास करने होंगे। ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर प्लेन्स को इस प्रकार से हमें पास करना होगा। ये मैंने पास किया रेक्टेंगुलर प्लेन्स को, एज सेंटर से पास करते हुए रेक्टेंगुलर प्लेन्स आपके सामने, ये रेक्टेंगुलर प्लेन्स आपके सामने। क्या और रेक्टेंगुलर प्लेन भी पास हो सकता है? जी हां, एक और रेक्टेंगुलर प्लेन यहां से पास होगा, और रेक्टेंगुलर प्लेन भी पास हो सकता है। ध्यान से देखिए, यहां से पास किया जा सकता है एक और रेक्टेंगुलर प्लेन को, इस प्रकार से मैंने एक और रेक्टेंगुलर प्लेन को पास किया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दोस्तों फेस सेंटर्स को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? देखिए, इस फेस सेंटर के साथ ये फेस सेंटर ज्वाइन होगा। तो आमने सामने फेसेस हैं, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करना है। देखिए, इस फेस सेंटर के साथ इस फेस सेंटर को ज्वाइन करना है। जो फेस सेंटर पीछे है इसके साथ जो आगे फेस सेंटर है, जो सामने वाले फेस का फेस सेंटर है, इसको ज्वाइन करना है। यानी रेक्टेंगुलर प्लेन को पास करना है, उसके बाद फेस सेंटर्स को ज्वाइन करना है, अपोजिट फेस सेंटर्स को ज्वाइन करना है। क्या होगा? हमारे सामने देखिए 8 स्मॉलर क्यूब्स होंगी। एक बड़ी क्यूब को हमने 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है। यानी ये स्मॉलर क्यूब क्या होगी? यूनिट सेल होगा। और ये बड़ी क्यूब क्या है? ये स्पेस लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है। जी हाँ, ये लैटिस है, स्पेस लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है। और ये स्मॉलर क्यूब यूनिट सेल है। देखिए, ये एक स्मॉलर क्यूब यूनिट सेल है। और ये कंप्लीट पैटर्न क्या है? ये क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और लैटिस है। और ये डॉट्स क्या है? ध्यान से देखिए, ये डॉट्स हैं, लैटिस पॉइंट, डॉट्स आर लैटिस पॉइंट। ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये पोजीशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन को इंडिकेट करते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स की अरेंजमेंट को इन डॉट से इंडिकेट किया जाएगा। और ये लैटिस पॉइंट है। इन लैटिस पॉइंट से हमें क्या मिलेगा? क्रिस्टल लैटिस। और इसके रिपीटिंग पैटर्न को यूनिट सेल बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सारी टर्म्स आपने अंडरस्टैंड कर ली है। इसके बाद हमें यह जानना है यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, यूनिट सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ध्यान से देखिए, यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज किया जाएगा। ये 6 पैरामीटर्स क्या है? हमारे सामने क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल के केस में 6 पैरामीटर्स कैसे होंगे? उसके बाद हमें क्यूबिक यूनिट सेल के अलावा काफी सारे और यूनिट सेल्स की भी बात करनी है। सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में डिटेल में क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी हमारे सिलेबस में स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न कौन सा है डिटेल में? क्यूबिक यूनिट सेल। क्या हेक्सागोनल की भी बात की जाएगी? जी हाँ, हेक्सागोनल की भी बात की जाएगी। जे एडवांस्ड में हेक्सागोनल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, तो हेक्सागोनल के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं होगी, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में उतना हेक्सागोनल के बारे में भी जानेंगे। यानी क्यूबिक और हेक्सागोनल की हमें बात करनी है। और ज्यादा डिटेल में कौन सा यूनिट सेल है जिसकी बार बार हमें बात करनी है? क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने है। इस प्रकार से अगर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को कंसिडर किया जाए, अलोंग वाई एक्सिस ये जो एज लेंथ है ये बी है, अलोंग एक्स एक्सिस ये जो एज लेंथ है ये ए है, अलोंग जेड एक्सिस ये जो एज लेंथ है ये देखिए
ये सी है। आई होप आपने इस प्रकार से इसको विजुलाइज किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या कंडीशन होगी, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए किसी यूनिट सेल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल होने के लिए, क्यूबिक यूनिट सेल होने के लिए ये सभी एज लेंथ सेम होनी चाहिए, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। क्लियर है बात, यानी थ्री एज लेंथ रिक्वायर्ड है तभी तो क्यूब को डिफाइन कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए इस ए के अपोजिट जो एंगल है, यानी जो एंगल सी एंड बी के बीच है, ए के जो अपोजिट है ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। देखिए बी के अपोजिट जो ए एंड सी के बीच है ये बीटा एंगल है, बी के अपोजिट बीटा एंगल है। और देखिए सी के अपोजिट देखिए गामा एंगल है, ए एंड बी के बीच जो एंगल है ये गामा एंगल है, सी के अपोजिट ये एंगल इक्वल भी होने चाहिए। और ध्यान से देखिए क्यूब के केस में ये एक्सियल एंगल्स इक्वल होने चाहिए और 90 डिग्री के भी इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर हम क्यूब के लिए इस बेहतरीन कंडीशन को यहां पर डिफाइन कर पाएंगे। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी उस केस में यूनिट सेल को बोला जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल। आई होप दोस्तों आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। थ्री डायमेंशन में अगर यूनिट सेल को डिफाइन करना है तो कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, क्यूब के केस में 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, तो बाकी थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल के केस में भी दोस्तों 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे। एबीसी अल्फा बीटा गामा, एबीसी क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, आपको देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी जा चुकी है। 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। ये 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और ये क्यूबिक के केस में किस प्रकार से मिलेंगे ये आप जानते हैं, किसी और यूनिट सेल के केस में किस प्रकार से मिलेंगे ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है यूनिट सेल के टाइप्स के साथ। अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल भी बताए जाएंगे, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम यूनिट सेल्स को डिफाइन करेंगे थ्री डायमेंशन में। उससे पहले देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पैरामीटर से रिलेटेड। थ्री एजेस एबीसी मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये देखिए इनके बीच का एंगल 90 भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, यहां क्यूब के केस में एंगल 90 डिग्री होगा, अगर और कोई यूनिट सेल हुआ तो एंगल डिफरेंट भी मिल सकता है। जी हाँ, किस प्रकार से रिलेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स के केस में ये आपको बताया जाएगा। अभी मैंने केवल और केवल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में रिलेशन को एस्टेब्लिश किया है। तो चलिए पॉइंट नंबर वन आपने अंडरस्टैंड किया, ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है नहीं भी हो सकता है। पॉइंट नंबर टू देखिए, ईच यूनिट सेल हैज कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन बिटवीन एबीसी एंड अल्फा बीटा गामा। ध्यान से देखिए किस प्रकार से रिलेशन होगा, इस प्रकार से देखिए क्यूबिक यूनिट सेल के केस में ऐसा रिलेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल के लिए कैसा रिलेशन होगा ये मैं उन यूनिट सेल के टाइप के साथ ही आपको बताने वाला हूं। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए एंगल्स बिटवीन एजेस आर इस प्रकार से होंगे, एंगल्स अल्फा बिटवीन बी एंड सी, जी हां अल्फा देखिए बी एंड सी के बीच का एंगल है। इसके बाद देखिए बीटा बिटवीन ए एंड सी, ध्यान से देखिए बीटा बिटवीन ये बीटा है, बिटवीन ए एंड सी ये ए है और ये सी है, इनके बीच का एंगल देखिए बीटा है, जी हां आपने देख लिया होगा। इसके बाद देखिए गामा बिटवीन ए एंड बी, ये ए है ये बी है इनके बीच में देखिए गामा है। अल्फा किसके बीच का, एक बार फिर से देखिए बी एंड सी के बीच का एंगल है अल्फा, और बीटा ए एंड सी के बीच का एंगल बीटा है, और गामा ए एंड बी के बीच का एंगल गामा है। ये आपने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा, ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, सी के अपोजिट गामा, इस प्रकार से भी आपने देख लिया होगा। चलिए तीनों ही पॉइंट अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो ये भी जान लीजिए एक यूनिट सेल को 1D, 2D एंड 3D में डिफाइन किया जा सकता है। 1D यूनिट सेल को भी डिफाइन किया जा सकता है, 2D यूनिट सेल को भी डिफाइन किया जा सकता है, और हमारे सिलेबस में 3D यूनिट सेल डिटेल में है, इसको तो हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल की।
थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल के साथ साथ आपको पता होना चाहिए वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल यूनिट सेल को भी डिफाइन किया जा सकता है। जब भी दोस्तों आप यूनिट सेल को डिफाइन करें, इस बात को हमेशा याद रखें, देखिए जनरली मोस्ट मेट्रिकल एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम यूनिट सेल इज सिलेक्टेड, ऐसा नहीं है जो आपने यूनिट सेल मान रखा है, ये दो तीन यूनिट सेल का एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है और इसको बार बार रिपीट करने से आपने मान लिया है स्पेस लैटिस बना है। जी नहीं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए, उसी को ही यूनिट सेल बोला जाएगा। अब देखिए यूनिट सेल को 1D, 2D, 3D में डिफाइन करते हुए किस प्रकार से स्पेस लैटिस को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसकी हमें बात करनी है। स्पेस लैटिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके रिपीटिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होगा। 1D स्पेस लैटिस के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, किस प्रकार से इसके यूनिट सेल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसके लिए देखिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, दैट पैरामीटर इज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट्स। देखिए एक ही लेयर होगी और ये होगी पोजीशन एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस की, 1D में है तो देखिए एक डिस्टेंस ही आपको रिक्वायर्ड होगा। कौन सा डिस्टेंस? इन लैटिस पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, देखिए ये डी डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। यूनिट सेल क्या होगा, देखिए ये होगा यूनिट सेल, ये रिपीटिंग पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको विजुलाइज होगा, ये होगा देखिए यूनिट सेल, यहां से यहां तक ये यूनिट सेल है। इसी को ही रिपीट करने से इस पार्ट को ही रिपीट करने से, ध्यान से देखिए इस पोर्शन को ही रिपीट किया गया है, इसी को ही रिपीट करने से आपको वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस मिल जाएगा। देखिए ये रिपीट हुआ है, इसी को रिपीट कीजिए आपको क्या मिल जाएगा, वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस मिल जाएगा। चलिए इसके बाद बारी है टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस की, इसके लिए कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों, इसको डिफाइन करना है तो इसके लिए थ्री पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, टू एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन दीज टू एजेस। देखिए किस प्रकार से एंगल रिक्वायर्ड होगा और यूनिट सेल दिखने में कैसा होगा, ये देखिए ये टू डायमेंशन में हमने क्या ड्रॉ किया, स्पेस लैटिस हमने ड्रॉ किया, टू डायमेंशन में हमने देखिए स्पेस लैटिस यहां पर ड्रॉ किया, ये 2D है, ये क्या है 2D है, टू डायमेंशन है और इसमें हमने स्पेस लैटिस को ड्रॉ किया, ये काफी सारे लैटिस पॉइंट हैं, ये काफी सारे लैटिस पॉइंट हैं। अब यहां पर बात की जाए रिपीटिंग पैटर्न की, तो दोस्तों रिपीटिंग पैटर्न तो ये होगा इस केस में रिपीटिंग पैटर्न, ये रिपीटिंग पैटर्न होगा, दिस इज रिपीटिंग पैटर्न यूनिट सेल, ये रिपीटिंग पैटर्न है यूनिट सेल है। अब ये रिपीटिंग पैटर्न जब रिपीट किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, स्पेस लैटिस मिलेगा, क्लियर है बात। अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए आपको ये D1 D2 टू एज लेंथ रिक्वायर्ड है और इनके बीच के एंगल, ये एंगल थीटा ये रिक्वायर्ड है, यानी हमें इस केस में इस प्रकार से लेयर्स के बीच का गैप पता होना चाहिए, इस प्रकार से देखिए गैप पता होना चाहिए, D1 D2 एज लेंथ पता होनी चाहिए और इनके बीच के एंगल थीटा हमें पता होना चाहिए, ऐसे केस में हम टू डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन कर पाएंगे। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा कितने पैरामीटर्स इस केस में रिक्वायर्ड होंगे किसी भी टू डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, ताकि हम टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस को इमेजिन कर पाए, विजुलाइज कर पाए, क्लियर है बात। थ्री पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, टू एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन टू एजेस, एंगल ये होगा और एज लेंथ ये होंगी। चले आगे, टू डायमेंशन ये है और इसमें देखिए एज लेंथ क्या होंगी, 1, 2 और एंगल कौन सा होगा, ये एंगल थीटा होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद बारी है 3D यूनिट सेल की और 3D स्पेस लैटिस की। देखिए किस प्रकार से यूनिट सेल को डिफाइन किया जाएगा, इसके लिए कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे ये आप जानते हैं, 1D के लिए 1 रिक्वायर्ड होगा, डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा और 2D के लिए
टू डिस्टेंसेस एंड वन एंगल, ये रिक्वायर्ड होगा, यानी थ्री पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे। अब बारी है 3D की, इसके लिए हमें देखिए सिक्स पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, थ्री एज लेंथ रिक्वायर्ड होंगी एंड थ्री एंगल्स रिक्वायर्ड होंगी। किस प्रकार से अल्फा बीटा गामा और एज लेंथ ABC रिक्वायर्ड होंगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है। तो चलिए अब देरी नहीं करनी है, जल्दी से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स को अंडरस्टैंड करना है। कितने टाइप के बेसिक यूनिट सेल होंगे? 7 टाइप के होंगे। ये 7 टाइप कौन कौन से हैं आपके सामने है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल का एक और नाम भी, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राइगोनल का एक और नाम रोम्बोहेड्रल है। और लास्ट देखिए ट्राइक्लिनिक। इस प्रकार से 7 टाइप के बेसिक यूनिट सेल होंगे। किस प्रकार से एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ के रिलेशन को इंडिकेट किया गया है? देखिए एक्सियल डिस्टेंसेस एक्सियल एंगल्स के रिलेशन आपके सामने है, क्या आपको याद हो जाएंगे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर टाइप की यूनिट सेल के लिए, एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल्स का क्या रिलेशन होगा, क्या आप आंसर कर पाएंगे? चलिए आपके काम को आसान किया जाए, एग्जाम्पल्स याद रखें या ना याद रखें ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक्सियल डिस्टेंसेस एक्सियल एंगल्स के रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार जेई मेंस में, नीट में आता है और इससे पहले जेई एडवांस्ड में भी आ चुका है। तो जल्दी से देखिए, इस प्रकार से हमारे पास 7 टाइप के यूनिट सेल होंगे। बेसिक टाइप कितने होंगे? 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने सीरियल नंबर के साथ इंडिकेट कर लिया है। किस प्रकार से इनके नेम्स को इंडिकेट किया जाएगा? देखिए CTE OR MH RHO TRI, कुछ इनिशियल लेटर्स को भी मैंने इंडिकेट किया। सी से क्या बनेगा? क्यूबिक। सी से क्या बनेगा? क्यूबिक। टीई से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओआर से ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और देखिए एम से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। देखिए एच से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। आरएचओ से देखिए रोम्बोहेड्रल, जिसका एक और नाम भी आप जानते हैं ट्राइगोनल। टीआरआई से ट्राइक्लिनिक, इसे क्या बनेगा? ट्राइक्लिनिक। आई होप ये सब कुछ आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। 7 टाइप के बेसिक यूनिट सेल होंगे। एक्सियल डिस्टेंसेस एक्सियल एंगल्स के रिलेशन को हमें अंडरस्टैंड करना है। देखिए किस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस में याद रखना है। अब इस सीक्वेंस को कैसे याद रखें? देखिए सीटी ओरियो को देखकर, ओरियो बिस्किट होता है, किसी को पसंद है? किसको पसंद है? देखिए सीटी ओरियो बिस्किट को देखकर मारता है, सीटी ओरियो बिस्किट को देखकर मारता है रोहित त्रिपाठी। रोहित त्रिपाठी नाम का एक बच्चा है जिसको देखिए ओरियो बिस्किट काफी पसंद है, तो ओरियो बिस्किट को देखकर उसका मन करता है सीटी मारने का। सीटी ओरियो को मारता है रोहित त्रिपाठी, ये आप याद रखेंगे, किसको देखकर? ओरियो बिस्किट को देखकर। तो ये आपने इस सीक्वेंस में याद कर लिया है। अब देखिए किस प्रकार से एज लेंथ के रिलेशन को अंडरस्टैंड किया जाए। बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्यूबिक के लिए A = B = C, क्यूबिक के लिए A = B = C ये होगा। अब देखिए अगर क्यूबिक के लिए A = B = C होगा, सारी एज लेंथ इक्वल होंगी, तो देखिए ट्राइक्लिनिक के लिए A is not equal to B is not equal to C होगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब देखिए यहां A = B = C है, तो यहां भी क्या होगा? A = B = C होगा, यहां भी A = B = C होगा। इसके बाद देखिए टेट्रागोनल के लिए यहां तीनों इक्वल है, यहां देखिए A एंड B इक्वल है लेकिन C इक्वल नहीं है। जैसा यहां है वैसा ही यहां होगा, यानी वैसा ही हेक्सागोनल के लिए होगा, A = B not equal to C। इसके बाद देखिए यहां B एंड C इक्वल नहीं है,
यहां पर ए बी के इक्वल नहीं है और बी सी के इक्वल नहीं है, जैसा यहां होगा वैसा ही यहां होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और ये तो सीक्वेंस आपने याद ही कर लिया होगा, देखिए सी टी सी टी सी टी ओरियो बिस्किट को देखकर मारता है एम मारता है एच, रोहित त्रिपाठी टी आर आई, रोहित से क्या बनेगा आर एच ओ और त्रिपाठी से क्या बनेगा टी आर आई। क्लियर है ना ये बात, फंडा बिल्कुल क्लियर होगा और ये सीक्वेंस आपने याद कर लिया होगा। और देखिए एज लेंथ को कैसे याद करना है इसका भी आइडिया मैंने दिया है, यहां पर सभी इक्वल होंगी कोई भी इक्वल नहीं होगी, यहां सी इक्वल नहीं होगी, यहां भी देखिए सी इक्वल नहीं होगी इस केस में, यहां देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहां भी देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहां तीनों इक्वल है तो यहां भी देखिए तीनों इक्वल है। क्लियर है ना ये बात, अगर ये फंडा आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसके बाद देखिए एंगल्स के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितनी बार तीन बार, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीन बार अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री तीन बार। यहां पर क्या करना लास्ट में, ट्राई क्लिनिक के केस में ये भी इक्वल नहीं है और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आपस में भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। अब यहां क्या किया जाए, यहां पर तो स्टार्टिंग में देखिए तीन बार आपको क्या करना है, स्टार्ट कहां से करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री से स्टार्ट करना है, या तो तीनों एंगल्स आपको इक्वल मिलते हैं और 90 के भी इक्वल मिलते हैं, तो तीन बार आपको ऐसे इंडिकेट करना होगा और लास्ट में ऐसे इंडिकेट करना होगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद देखिए अल्फा बीटा गामा आपस में तो इक्वल होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल के केस में क्या होगा, अल्फा बीटा 90 के इक्वल है और गामा 90 के इक्वल नहीं है, गामा 120 डिग्री के इक्वल है। हेक्सागोनल का ही स्पेशल केस आप याद रखेंगे, अल्फा बीटा 90 डिग्री के इक्वल है और गामा 120 डिग्री के इक्वल है। आई होप हेक्सागोनल को आपने विजुलाइज किया होगा और वहां से आपने इमेजिन कर लिया होगा 120 डिग्री के एंगल को। क्लियर है, इमेजिन नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, हमें क्यूबिक के साथ साथ हेक्सागोनल को भी अंडरस्टैंड करना है। जब बारी आएगी हेक्सागोनल की तो हेक्सागोनल को विजुलाइज भी कर लेंगे, कैसे 120 डिग्री एंगल मिलता है इसकी भी बात कर लेंगे। इसके अलावा देखिए यहां क्या होगा, यहां दोस्तों होगा अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां देखिए गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं था, यहां देखिए गामा से पहले कौन है बीटा, यहां बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हम मोनोक्लिनिक के लिए भी इस कंडीशन को याद कर लेंगे। ये कंडीशन इस प्रकार से क्यूबिक के लिए, ये क्यूबिक के लिए, ये टेट्रागोनल के लिए है, ये देखिए ऑर्थोरोम्बिक के लिए है, ये देखिए मोनोक्लिनिक के लिए है, और ये देखिए ये हेक्सागोनल के लिए, ये रोम्बोहेड्रल के लिए है, ये ट्राइक्लिनिक के लिए है। अब ये यूनिट सेल फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं क्या, जी हां, क्यूबिक के देखिए थ्री टाइप होंगे, फर्दर डिवाइड किया जाएगा, इसके थ्री टाइप्स होंगे, इसके टू टाइप्स होंगे, इसके फोर टाइप्स होंगे, इसके देखिए अगेन इसके टू है तो इसके भी क्या होंगे टू होंगे, यहां वन वन वन। इस प्रकार से इन यूनिट सेल्स को फर्दर डिवाइड किया जाएगा, अगर इन यूनिट सेल्स को इस प्रकार से फर्दर डिवाइड किया जाएगा तो टोटल देखिए कितने टाइप के स्पेस लैटिस बन जाएंगे, इस प्रकार से फर्दर अगर इन यूनिट सेल्स को डिवाइड किया जाएगा तो कितने स्पेस लैटिस बन जाएंगे, ध्यान से देखिए 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 12, 13, 14, यानी स्पेस लैटिसेस कितने टाइप के हो जाएंगे, 14 टाइप के हो जाएंगे, और यूनिट सेल 7 टाइप के होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देर आर 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिसेस, दीज आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिसेस, इनको क्या बोलते हैं, 14 टाइप के जो स्पेस लैटिस बनेंगे। इस प्रकार से देखिए ये 7 यूनिट सेल के बेसिक टाइप है, फर्दर देखिए
इसके थ्री होंगे, इसके टू फोर टू वन वन, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, थ्री टू फोर टू वन वन वन, थ्री टू फोर टू वन वन वन, याद कर लीजिए। ये सीक्वेंस आपको याद है ही, और इस नंबर को भी याद कर लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद पूरी कहानी आपके सामने है, किस प्रकार से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है ये मैंने आपको बताया है। उम्मीद है ये आपके लिए कहानी बिल्कुल सिंपल हो चुकी होगी और आपने इस पूरी टेबल को, इस पूरी मायावी टेबल को याद भी कर लिया होगा। किस प्रकार से 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस हैं, 7 टाइप के यूनिट सेल हैं। अगर आपने ये सब कुछ जान लिया है तो आज की इस रसायन लीला में इतना काफी है। अब दोस्तों मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाए और हमारी तरफ से टाइम टाइम पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे आप टेलीग्राम चैनल पर लैंड कर जाएंगे। देखिए अगर आप आइकोनिक और प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए आप आइकोनिक और प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीचर मुझे अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर लगता है, जिससे आप इंस्टेंट अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। यूसेट क्या है ये देखिए, एवरी संडे टेस्ट कंडक्ट होता है अनअकैडमी ऐप पर, जो कि आप सभी अगर देंगे तो काफी बेनिफिट होगा। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिल पाएगी और आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। तो इस टेस्ट में आपको अपीयर होना है, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। देखिए हमारा बैच भी इस लिस्ट में है, एम 2022, जो कि 12th क्लास के लिए है, 14th अप्रैल से स्टार्ट होगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए अनअकैडमी ऐप पर होगा। इसके बारे में मैंने आज के इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। और देखिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, काफी सारी फ्री क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर होंगी, इनकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे, इसके लिए आप हमें अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक कीजिए और अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ अलविदा कहने का वक्त आ गया है। थैंक यू वेरी मच इस बेहतरीन सेशन को अटेंड करने के लिए। ऐसी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी और जब भी मिलेंगे मुलाकात को यादगार बनाएंगे। चलिए दोस्तों बाय बाय, आज के लिए इतना काफी है, नोट्स आप बना लेंगे और आप रिवाइज भी कर लेंगे। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।